पॉलवेगी आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये उन जगहों में आती है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यहाँ पे लोग आज भी जाने से डरते हैं। यहाँ की बैक स्टोरी भी बहुत डार्क है कि जब प्लेग महामारी पहली थी, तब जिन लोगों को ये बीमारी होती थी उन लोगों को इस आइलैंड पे लाकर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। अगर नंबर्स की बात करें तो 1 लाख लोग यहाँ पे मरे थे, पर नंबर्स इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसे सबसे हॉन्टेड प्लेस में भी माना जाता है। इस पूरे आइलैंड में आपको जगह जगह पर हड्डियों और उंगलियों के अवशेष मिलेंगे, और यहाँ की 50% से ज़्यादा मिट्टी उन लोगों के डेथ रिमेनिंग या रक्त से भरी हुई है। यहाँ पर कोई कुछ देर से ज़्यादा बिता नहीं सकता, पर आप अगर यह जाते हैं तो शुरुआत में आपको अजीब सी फीलिंग आने लगती है और अजीब सी स्मेल, जो स्मेल वो स्मेल पूरे आइलैंड में फैली रहती है, और उन लोगों को चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती है जो यहाँ पे मरे थे। टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती, पर लोगों के दिमाग में वो आवाज़ घूमती रहती है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी थे जो कि 1975 में क्लोज कर दिए गए थे। अर्ली 1900 में कोई जहाँ जाता था तो उसे हॉस्पिटल से सामान करने की आवाज़ सुनाई देती थी, पर असल में इस हॉस्पिटल में कुछ पुराने बेड्स के अलावा कुछ भी नहीं था। सचमुच ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है कि यहाँ पे सच में कुछ सुपरनैचुरल पावर है या नहीं। तो ये थी स्टोरी ऑफ पॉलवेगिया आइलैंड ऑफ डेथ के बारे में। सो दैट वाज द स्टोरी।